आज जो हमारे साथ क्लाइंट है आप उनकी बिफोर की हेयर लॉस की कंडीशन देख सकते हैं। सर को अपना मिड ट्वेंटीज में कितना ज्यादा गंजापन आ चुका है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग हेयर्स को रिमूव किया जाता है जितने भी एरिया में आपका हेयर लॉस होता है, ताकि पैच फिक्सिंग के लिए एक एरिया क्रिएट हो सके। उसके बाद स्कैल्प प्रोटेक्टर अप्लाई किया जाता है जो एंटी इचिंग और एंटी बैक्टीरियल होता है, ताकि आपकी स्किन पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद अल्ट्रा होल्ड एडहेसिव अप्लाई किया जाता है जो कि स्किन फ्रेंडली होता है और इसका आपकी स्किन के ऊपर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हेयर पैच में आप डे टू डे की जितनी भी एक्टिविटीज हैं जैसे बेदिंग, रनिंग, जिमिंग या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है आपने, आप सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसकी आपको 20 से 25 डेज में मंथली सर्विसिंग करानी पड़ती है। अगर आप सर्विसिंग नहीं करा सकते तो इसमें सेल्फ सर्विस का भी ऑप्शन होता है जो आप घर पे इसको सेल्फ मेंटेन भी कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं भाई हम दिल्ली के बाहर से रहते हैं और आपके पास हम पैच लगवाने तो आ सकते हैं लेकिन हर महीने सर्विस के लिए नहीं आ सकते, तो हम आपको सेल्फ सर्विस का सारा तरीका समझा देते हैं, आप सेल्फ सर्विस भी कर सकते हैं। बाकी सर का लुक कैसा लगा इस वीडियो में कमेंट्स में जरूर बताएं और जिस किसी को भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। एंड गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।